ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਐਸੀ ਉੱਠੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਮਚਾ ਦੇਗੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਨਾ ਹੋ ਜਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣ अपनी श्रमशीलता का लोहा नहीं मनवा रहे। ट्रूडो ने बयान देता, ट्रंप ने भी देता, विदेशों के किस तरीके दे नाल ये साडे एजिटेशन की हिमायत हो रही है। साडी विदेशों तक जी एजिटेशन की गल हो रही है, पर इत्थे दा नैशनल मीडिया बिल्कुल गल नहीं कर रहा, इहनू किवें वेखदे हो जी? फिर जां फिर ये की अजे नैशनल मुद्दा नहीं बनिया जी? इहनू गोदी मीडिया क्यों कहें? सियाण की एक कहावत है, ना रहेगा पास तेना बचे के पास। जब किसान ना रहे तो कुछ भी नहीं रहना। पंजाब भाजपा प्रधान के हमले के मामले च राजपाल ने तलब की रिपोर्ट, उन्होंने जिथे जिम्मेवारी जिदे आ जड़ा उन्होंने तलब किया है। मैं गवर्नर साहब को यह बेनती करता है कि जे तरन चुग बयान देता है कि ये जड़े किसान ने जे इन्होंने साडा विरोध किया तो ये आने लतां ते तुर के ते जाणगे सिग्नेचरां ते, उहदे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं गई? उहदी रिपोर्ट क्यों नहीं मंगी? उहदे खिलाफ परचा क्यों नहीं गा? वो कहिंदे असीं किसानां दी आमदन जिहड़ी आ दुगनी करनी है, तो फिर उन्हां दा इक फर्ज बनता है कि ये जिहड़े बार्डर ने खोल दें पंजाब के किसानों नूं, जो कहिंदे ने भी इन्हां दी खुली मंडी करदे आ, इन्हां नूं विदेशां दे विच वी व्यापार करन दा हक। जिडे जिडे वजे साढ़े एजिटेशन हुए हैं, किसी एक भी किसान मैं कोई मास्क पाया हो, असी इस तरह फिर रही ना, साडा एक भी किसी किसान कोई कोरोना होया? हाँ, ये जरूर है कि साडा आज किसान एक रात 2 बजे लाभ सिंह जो कि रेलवे ट्रैक पर बैठा से वो शहीद हो गया। शहीद मान रहे हो, पंजाब सरकार वालों कुछ दिता तो जा नहीं रहा जी? फिर शहीद असी शहीद मानते हैं और असी पंजाब सरकार के धौन पर गोडा दे के उन्होंने दवावे जो हक बनते। तो श्रोमणी अकाली दल ने हुण 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया जी, सुखबीर बादल ने, वो कहिंदे भी असी जथेबंदियों नाल गल करांगे ते असी मोर्चा उन्हां दा फतेह करा के दिखावांगे। ये ड्रामे आ, जथेबंदियों के घुसपैठ भी होने लग गई है। सवेरे कोई बंदा आया सी एजेंट टाइप के बंदे कहिंदे जी शामिल होने लग गए ने, कल भी उत्थे हरकत की थी, असी कल तो ही बड़े सचेत साज उन्होंने उतों कढ़िया, तो जो तुहाडी प्रेस मीटिंग चल रही थी जी 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 उदों भी तो होया, उन्होंने मैं फड़ के लिया बाहर। किसान भवन विखे 31 किसान जथेबंदियों की सांझी मीटिंग होंदी है, पहला केंद्र दे नाल इक मीटिंग होंदी है, तो उस तो बाद अज कुछ रणनीति तैयार की गई है, तो उस मीटिंग का हिस्सा लोक भलाई इंसाफ वैलफेयर सोसायटी के प्रधान बलदेव सिंह सिरसा भी रहिंदे ने। गलबात करते हैं सिरसा साहब, बहुत बहुत स्वागत जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू फतेह। सब तो पहला तो मैं थोड़ा, वैसे तो समुचे मीडिया का असं धन्यवाद करना, साडा फर्ज बनता क्योंकि जिहड़ा साडा किसानां दा एजिटेशन चल रहा है, तो मेरे ना खास करके हुण तक तुसीं मीडिया वाले ने बहुत कोई जिन्हें भी मसले हुण तक चुके ने, तुसीं बहुत मतलब कि उन्होंने दूरनिशी के नाल जिहड़ा सी लोगों तक जिहड़ा पहुँचाया, बहुत मेहनत की है, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। और आ जिहड़ा एजिटेशन है जिस तरीके नाल तुसीं लोगों तक पहुँचा रहे जे, मेरे को शब्द नहीं जिन्हां दा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। बहुत धन्नवाद जी, अज इस मीटिंग का हिस्सा रहिंदे हो जी, की समझ आउंदी है, की गल्लां हुंदियां ने, ते की लगदा जी वी मोर्चा जल्द फतेह होण वाला है जां लम्मा चलेगा? देखो, ये इन्नी छेती मतलब कि मोर्चा जड़ा है फतेह जरूर होगा, लेकिन ये तुहानू पता है कि अज तक पंजाब दे लोकां ने जिन्हें भी संघर्ष लड़े ने, ये वो लोग ने, उन्हां गुरुआं दी ये विरासत है जिन्हां गुरु साहिबां ने गुरु नानक पातशाह ने बाबर तो लै बाबर नूं जाबर किया जी, उस तो बाद जिन्हें भी आए ने, चाहे अहमद शाह अब्दाली है, महमूद गजनी आया, औरंगजेब आया, जो जिन्हें भी आए, मीर मनु आया, जकरिया खान आया, उन्होंने नाल लड़ाइया लड़िया साढ़े वड्डे वडेरिया ने, बिल्कुल और गुरु साहबां की बदौलत उन्होंने सानू एक रस्ता तैयार किया। उस तो बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के नाल भी जिहड़ी लड़ाई लड़ी,
उस तो बाद जे दिल्ली तख्त कोई भी सरकार आई है उन्होंने खिलाफ झंडे ने, लेकिन पंजाब के नाल किस तरह का मिसबे हों रहा, बड़ी साजिश के तहत पहला बहुत सारा हिस्सा जोड़ा से वह पाकिस्तान चले गया, उस तो बाद जो बचा पंजाब से वह भी टुकड़े टुकड़े करते, हरियाणा बनाता, हिमाचल बनाता, चंडीगढ़ में कटता, फिर पानी खो लिया, फिर पंजाबी बोलते इलाके राजधानी हेडवर्कस बेली सारे खोले, हुण रहिंदी कसर जिहड़ी सी कि जिहड़ियां मंडियां ने वह भी खत्म करके, तो ये पंजाब नूं जिहड़े ये अणखी लोग जिहड़े सुरमे लोग जिहड़े देश का ठूठा फड़ के अन्न लैण वास्ते जांदे सी बाहर, वो अन्न भंडार इन्हां दे भरे भारत सरकार दे, अज उन्हां पंजाब दे किसानां दे नाल इस तरह दा हो रहा, जिस करके पंजाब दा किसान जिहड़ा मोदी सरकार ने साडे ते ये हमला कीता इनू रोकण वास्ते ये खिलाफ लड़ाई वास्ते, ये पंजाब दी कल्ले दी लड़ाई नहीं, शुरू पंजाब ने की आ, अज भी तुहाडे सामने पंजाब कल्ला लड़ रहा, पर उसकी सपोर्ट से जिस तरह 25 दे बंदे विच हरियाणा आया होर सूबे आए, ये पंजाब तो एक चंगियाड़ी ऐसी उठेगी जिहड़ी मोदी नू ये भांबड़ां दे विच जिहड़ा मचा देगी, बहुत शांतिपूर्वक तरीके नाल, बड़ी गंभीरता नाल, बड़ी दिमाग दे नाल तुहाडे सामने कदी इन्नियां जथेबंदियां इकट्ठियां नहीं होईयां, अज 31 जथेबंदियां जिहड़ियां ने वह इकट्ठियां होकर एक मत होकर इस मोर्चे नू जिहड़ा वह लैके ते चल रहे ने जी। जेकर जेकर प्रधानमंत्री साहब इंज देखते हो बी जे पंजाब दे विच चलो नहीं भी कर दे जो किसान कर दे करी जान दो असी तो एवं ही रखना है भी सानू तो बाकी स्टेटा तो आप देखते हैं भी बाकी स्टेटा तो वोटा वोटा का भी उन्होंने इतने का ना रहा हो बी एक टारगेट जे कह रहे ना भी पंजाबियों को टारगेट किया जा रहा वो कह जे अगर वो ये समझते हो वोटा का भी सानू कोई वो नहीं है कानून रहणगे एक नहीं देखो जे इत्थे अंग्रेज आए जी महमूद गजनी वर्ग आए उन्हों की नहीं चली ये वो कौम है मोदी नू इतिहास पढ़ना चाहिए असी कोई भीख नहीं मंग रहे असी कोई बहुत वो लोग हाँ जिन्होंने जुल्मां के खिलाफ लड़ाइया रही तीह तीह हज़ार दियां टक्कां छड़ाइयां इस देश वास्ते की कुछ किया असा तो ये जो मैं टोक रहा माफ़ करना तुम्हें क्या मोदी को इतिहास पढ़ना चाहिए पर जो नरेंद्र मोदी श्रोमणी अकाली दल के भाईवालता सी पंजाब आते तो पंजाबियों की तो बहुत तारीफ करते उदो शायद इतिहास पढ़िया ही होगा जी जे इतिहास पढ़िया ये पिछे एक उही तो मैं गल लग्या कर ये पिछे एक साजिश है वो बड़ी वड्डी साजिश है जिस तरह के पंजाब के किसान के नाल इस तरह का करके तो वह बाकी उन्होंने ये है कि जोड़ा पंजाब का किसान है ये इनू दबा लिया तो बाकी जोड़ा वो लै रहे हैं लेकिन इस टाइम तो पंजाब के नाल हरियाणा भी बाकी भी है असी कल पंजाब के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं असी पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और समुचे वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस करके साढ़े पिछे सारी जी अहमियत आ रही है तो जी ये मोदी तुम्हें कहा भी उन्होंने वोटों का ये इतने नहीं लड़ाई लड़े जिस तरह के 5 नवंबर तो हो सकता अगे हो रही मीटिंग चल रही ने भारत बंद भी कॉल जी आ रही है ये ये लड़ाई कल पंजाब तक सीमित नहीं रहनी तुम ये दसो भी ट्रांटो ने भी बयान देता ट्रूडो ने बयान देता ट्रंप ने भी देता विदेशों के किस तरीके दे नाल ये साड़ी एजिटेशन की हिमायत हो रही है यूएनओ तक जिहड़े सी अगे एजिटेशन हो रहे हैं विदेशां तक जी एजिटेशन की गल हो रही है पर इत्थे दा नैशनल मीडिया बिल्कुल गल नहीं कर रहा इहनू किवें वेखदे हो जी फिर जां फिर ये की अजे नैशनल मुद्दा नहीं बनिया जी देखो कल जो दिल्ली से गए हैं कि कुछ उत्थे होया उत्थे सारा मीडिया आया लेकिन ये जिहड़ा नैशनल मीडिया भारत दे जिहड़े इस तरह जिहड़ा मीडिया है इहनू गोदी मीडिया क्यों कहिंदे आ ये उन्हों का खरीदया है ये कारपोरेट घराने का खरीदया होया है उन्होंने लोगों के ये चैनल ने इस करके ये जड़ा ये नैशनल तो भी ये तो मुद्दा जड़ा कि गंभीर है सैने की कहावत है ना रहेगा बांस तो ना बचेगी बस जब किसान ना रहे तो कुछ भी नहीं रहना इस करके ये बड़ा गंभीर मसला है ये तो इन्हों दीदा जोदी मीडिया जड़ा उन्होंने नहीं दीदा लेकिन ये देखो तुसी भी आने वाले समय के किस तरह की रूपरेखा तैयार करता है बेशक इत्थे गवर्नरी राज दीआं धमकियां दित्तियां जा रही ने बहुत कुछ हो रहा है इत्थे बहाने बनाए जा रहे हैं भी इत्थे जी आ फलाना हो जाएगा देश दे चन्ना ज़्यादा हो जाएगा एमरजेंसी वर्गे हालात दसे जा रहे हैं कि होणगे जी वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि 82 के मोर्चे फिर किया ना वो उदो मंगा की सन इस करके हुण भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो जो इस तरह के एमरजेंसियां जां राष्ट्रपति राज लगी तो उन्होंने पार्टियां बहुत वड्डा नुकसान भविख दे विच झलना पिया तुहानू लगता भी ये गलती करनगे हुण दोबारा तो जी देखो असी इसे करके कह रहे हैं ना मैं तुहाडे राही उन्होंने ये जी बयान दे रहा मैं ना तुहानू एक देखो अज दा एक जिहड़ा बयान है जी वो दिखाउणा चाहुंदा है देखो
पंजाब दे पंजाब भाजपा प्रधान से हमले के मामले च राजपाल ने तलब की रिपोर्ट। हाँ जी, पंजाब के गवर्नर साहब जड़े ने वो जोड़ा अश्विनी कुमार के उत्ते जोड़ा उत्तर कोई कांड वापरिया तो वो संबंध में उसकी रिपोर्ट तलब कर लिया, पुलिस को नोटिस करता है कि तुम रिपोर्ट दो। हाँ जी, गवर्नर साहब नूं मैं तुहाडे मीडिया के राही तुहाडे चैनल के राही यह अपील करदा है कि जिथे तुहानूं उहदा फिक्र है, क्योंकि तुसीं पूरे पंजाब दे जे इत्थे कोई भी आउंदा है एक पंजाब दे सारे लोगों की जान माल की राखी करनी, गवर्नर साहब की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, मिनट मिनट से गौर कर रही, उन्होंने फर्ज है। ठीक है, सरकार भी बनदिया ने, मुख्यमंत्री भी है, होर भी कैबिनेट भी है, पर गवर्नर की भी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी, उन्होंने जिथे जिम्मेवारी जिदे आ जोड़ा उन्होंने तलब किया है। मैं गवर्नर साहब को यह बेनती करदा कि जे तरन चुग बयान दिंदा है कि ये जिहड़े किसान ने जे इन्होंने साडा विरोध किया तो ये आउणगे लत्तां ते तुर के ते जाणगे सिग्नेचरां दे, उहदे खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की, उहदी रिपोर्ट क्यों नहीं मंगी, उहदे खिलाफ़ परचा क्यों नहीं गा। असीं तां बिल्कुल शांतिपूर्वक अमन नूं कायम रखदे होए लोगों की लड़ाई बड़े सुचजे ढंग नाल लड़ रहे हैं, तो ये लोग जिहड़े ने ये तरह तरह के आके साडे खिलाफ़ प्रापेगंडे करके लोगों नूं भड़का रहे हैं, जिहड़े इत्थे जातिवाद के दंगे भी फैला सकते हैं, ये बहुत तरह के इन्होंने पहला भी काम किए ने, इस तरह की जिहड़ियां स्टेटमेंटा देंदे ने, तो ये साडे एक पासे दिल्ली सद के बुला के सानू तो दूसरे पासे आप पंजाब च आके और खेतीबाड़ी जिहड़ा कृषि मंत्री है राज मंत्री जिहड़ा वो पंजाब के लोगों के आके मंत्रियों की फौज लैके तो इत्थे साडे खिलाफ़ भड़का रहा, इन्हों क्यों नहीं। मैं गवर्नर साहब को अपील करांगा कि उन्होंने भी कहन कि पंजाब के किसानों की जिहड़ी गल है वह करन, जिस तरह मानयोग हाई कोर्ट ने यह गल कही है कि एक किसानों का जिहड़ा मसला है ये सरकार को बैठ के उन्होंने नाल गल करनी चाहिए है तो यह हल करना चाहिए, इस तरह गवर्नर साहब को भी यह गल करनी चाहिए है कि इन्हां नाल बैठ के हल करो ना कि लोगों को भड़काओ। सिरसा साहब तुसीं गल कीती है भी किसानां दी बारी नूं गवर्नर साहब क्यों चुपने, मैं उन्होंने सवाल करदा, पर तुसीं एक निजी तौर पर किवें सोचदे हो भी क्यों चुपने जी? देखो तुहानूं पता ही है कि जिहड़े गवर्नर साहब ने जी, मैं उन्होंने बारे ज़्यादा नहीं कहांगा, सिर्फ इन्ना ही कहांगा कि उन्हां दीआं की मजबूरियां ये तो उन्होंने भी पता है, लेकिन मैं ये तुहाडे चैनल दे राही यही एक अपील करदा कि वो बाकी लोगों वाल भी ध्यान दे, साड़ी अपील वाले भी ध्यान देन, उन्हां दी एक जिम्मेवारी जिथे वो बाकी आ, असीं भी इस देश के नागरिक हाँ, असीं इस देश वास्ते बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां कीतियां ने, इस पंजाब के लोगों ने जिहड़ा असीं वो ठूठा छडवाया है, अनाज पैदा किया, अनाज के भंडार भरे ने, तो अज इस पंजाब नूं जिहड़ा वो इस तरह क्यों पंजाब के लोगों नाल, पंजाब के किसानां नाल, पंजाब के समुचे वर्गां नाल, आढ़तियां नाल, इह तुसीं वेखो ना भी किसानी दे नाल किन्ना कुछ जुड़िया, तो फिर पंजाब के किसान जिहड़े ने सब तो वध नुकसान जिहड़ा वो पंजाब दा होएगा, सेंटर पुल सब तो अहीं वध ने, वो मार्केट जिहड़ियां मार्केट जिहड़ियां हैगियां ने अपने मंडीकरण बोर्ड जिहड़ा जे वह खत्म करता, मंडियां खत्म हो गईयां तो किधर जाएगा, मंडी तो लगातार यही कह रहे हैं, कहने कदों कहा भी मंडीकरण बोर्ड खत्म हो जाएगा, नहीं होगा जी, वो कहने जदों ये मैनूं दसो भाई प्राइवेट बराबर मंडियां है, उत्थे कोई मार्केट फीस नहीं, उत्थे कोई टैक्स नहीं, उत्थे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, तो जो लोग जड़े ने फिर वो सरकारी मंडियां माल लैके जाएंगे, व्यापारी जाऊ उत्थे खरीदन, वो उत्थे जाएंगे उत्थे उन्होंने 50 रुपए वध मिलते हैं, तो उत्थे वेचणगे प्राइवेट मंडियां जिहड़ियां इस तरह दी मंडियां उन्होंने वेचणगे कि सरकारी मंडियां लैके जाएंगे। सो मैं एक गल होर करदा, उन्होंने वो कहिंदे ने MSP भी खत्म हो, जे उन्होंने MSP खत्म नहीं कीती तो मैं एक गल करनी चाहुंदा कि उन्हों का एक फर्ज बनता, एक जिम्मेवारी बनती है कि वो MSP के संबंध में एक कानून लिया और यह गल कह कि यह हर साल 10% जिहड़ा ये MSP रेट के वाधा किया जाएगा और गौरमेंट उस जिनस नूं जिन्हां ते MSP लगी वो जरूर खरीदेगी, जिहड़ा कोई उस रेट तो घट खरीदेगा जिवें अज मक्की अज झोना वो घट रेट से खरीदया जा रहा, लुट हो रही है, MSP रेट जिहड़े लगे हुए हैं वो की खरीदे जा रहे, पूरे मक्की का 1870 रुपये रेट है लेकिन खरीदी किस भाव जा रही है 700 तो लैके तो 10,000 रुपये तक, ये जिहड़ा झोना भी इस तरह 4-4, 5-5 सौ रुपये क्विंटल जिहड़ा वो घट रेट से खरीदया जा रहा। सो वो एक कानून लिया कि जिहड़ा भी घट रेट से खरीदेगा वो खिलाफ़ पुलिस परचा देगा। एक मैं तुहाडे चैनल राही होर केंद्र सरकार को अपील करनी चाहना कि जेकर वाकई वो किसान हितैषी है, वो कहिंदे असीं किसानां दी आमदन जिहड़ी आ दुगनी करनी है, तो फिर उन्हां दा एक फर्ज बनता है कि ये जिहड़े बार्डर ने खोल देन, पंजाब के किसानों जो कहिंदे ने भी इन्हां दी खुली मंडी करदे आ, इन्हां नूं विदेशां दे विच भी व्यापार करन दा हक होवे।
इतों का जोड़ा माल है वह कणक है झोना है आलू है टमाटर है जड़िया एजेंसा ने उन्होंने बाहर भी वेचन की फिर जी आग्या होनी चाहिए है वह तुर्की वेचन वो पाकिस्तान वेचन वो कितने भी वेचन तो ये फिर उन्होंने जी आग्या होनी चाहिए है फिर तो अं समझा भी कतान किसान ऐसी है तो जे अबानिया अडानिया ही सब कुछ देना है तो फिर ये सरमाएदारा की सरकार है उन्हों की मोदी अबानी अडानी की ही मत जरा मोदी कर रहा है तो ये कारपोरेट घराने जोड़े उन्होंने ही अगे लिया रहा उन्होंने पॉइंटमेंट कर रहा सानू जी हुण तक गल ये सामने आ रही थी भी पंजाब सरकार भी रली हुई है जी लगातार किसान कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह रले हुए हैं इसलिए विधानसभा का विशेष सैशन नहीं बुलाया जा रहा पर 19 अक्टूबर को सद्या जा रहा उम्मीद है जी विश्वास है भी हुण किसान पक्की होएगा तो उन्होंने एक अपने आप यह मतलब कि फैसला लिया जां फिर किसान अगे झुके ने एक किसान वालों जे अपने आप फैसला होंदा 29 सितंबर को साडी मीटिंग सदी उन्हें आप सदी सी और उत्थे किसानां ने साडे वल्लों एक मंग रखी गई सी उस मीटिंग दे साडे वल्लों भई तुसीं पंजाब दा असैंबली हाउस जिहड़ा इह बुलाओ उदों उन्होंने साडे नाल वादा कीता लेकिन नहीं बुलाया तो जदों असी काफ़ी दिन वेख के तो स्टेटमेंट दी भी पंजाब सरकार का भी असं कुछ करांगे तो फिर उन्हें कहा भी मैं धमकियां अगे झुकन वाला नहीं तो फिर ये किसानां दी जित है ना एक किसानां दे दबा हेठ ही उन्होंने जिहड़ा पंजाब असैंबली हाउस जिहड़ा एक कैप्टन ने बुलाया एक किसानां दे दबा हेठ ही हरसिमरत कौर ने अस्तीफा दिता है किसानां दे दबा हेठ ही ये जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने उन्हां च उथल पुथल मची हुई है उन्हां च हलचल मची हुई है भई अज साडा हो की रहा है ये सारा कुछ किसानां दे दबा हेठ ही हो रहा है और बड़ी ये मतलब कि गंभीरता नाल जिहड़ा ये एजिटेशन जिहड़ा चल रहा और 31 जथेबंदियां जिहड़ियां इकट्ठिया होकर एक एकता जी बल है वो कारण ही ये सारा कुछ हो गया कल भाजपा वाले मीटिंग कर रहे हैं किसानों के जा रही एक तरह रैलियां ऑर्गेनाइज की जा रही कहने से समझा लेने किसान कि किसान जथेबंदियां उन्होंने लीडर अलाउ कर दी भाई आ जाओ कोई गल नहीं समझा लो जाके अज की मीटिंग से भी कहता है सामने सारी प्रेस में यह गल कहता शरेआम कहती है साढ़े अज्ज के जो मीटिंग के प्रधान सन जे नरपैस सिंह उन्होंने सारा तुहाडे सामने शरेआम जो प्रेस में यह गल कही है कि असी इन्हां दा किते नहीं हुण दवांगे क्योंकि असी फैसला कल घर नहीं लेंदे जो फैसले होंगे ने वो साड़ी कथित जथेबंदियां पहला मीटिंग बुलाउंदियां ने उहदे विच फैसले होंगे ने सर मतलब कि फैसले लैके फिर असी उन्हां फैसलों नूं अगलाउ करदे आं असी किसी भी कीमत दे उत्ते पंजाब दे विच ओह कहिंदे आ पंजाब दे किसानां नूं समझाउणा पंजाब दा किसान ते समझिया होया इन्हां नूं की समझाउणा उह तुसीं समझो सो अज करूणा दी वी गल चल रही है भी ये हो रहा वो हो रहा असी किसान ये समझा साढ़े एक गल तुहानूं मैं होर दसनी चाहुंदा जिहड़े जिहड़े वजह साढ़े एजिटेशन होए ने किसी एक भी किसान नूं मैं कोई मास्क पाया होया असी इस तरह फिर रहे ना साडा एक भी किसी किसान नूं कोई करूणा होया हाँ ये जरूर है कि साडा अज किसान एक रात 2 बजे लाभ सिंह जो कि रेलवे ट्रैक पर बैठा सी वह शहीद हो गया वरना ये शहीदियां तो असं जड़ियाँ वो दे रहे हैं कोई गोली ना हो रहा कि किस तरह हो रहा कि किस तरह हो रहा तुसी शहीद मान रहे हो पंजाब सरकार वालों कुछ दिता तो जा नहीं रहा जी फिर शहीद देखो वो कादे वास्ते उत्थे जिहड़ी उहदी मौत दा कारण की है यार वो ट्रैक ते बैठा ना तिना किलिआं दा मालिक है तो वो ट्रैक ते बैठा तो किहदे वास्ते किसानी हितां लई बैठा ना इस करके असीं उहनूं शहीद किवें ना कहीए वो शहीद है साडा किसान जथेबंदी का वो शहीद है असीं शहीद मानदे आ और असीं पंजाब सरकार दे धौण ते गोढा दे के उहनूं दवावांगे जो हक बनदे आ जी तो श्रोमणी अकाली दल ने हुण 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया जी सुखबीर बादल ने वो कहिंदे भी असीं जथेबंदियां नाल गल करांगे तो असीं मोर्चा उन्हां दा फतेह करा के दिखावांगे ये ड्रामे आ वह जे वो किसानों के नाल हमै किसान हितैषी ने तो वह किसानों वालों चल रहे संघर्ष के जिस तरह ही ट्रैक बैठे आके ट्रैकों के पत्थर से बैठे हैं ना रात भी उत्थे दिने भी उत्थे हैं वो पिछे आके बैठन तो जो कहन भी अं अगे जाके तो इन की गल करा तो उत्थे जाके मोर्चे जिन्हों हाइअप करा तो वह नहीं होएगा जिस जी तो एक गल होर एक गल लगातार ये आ रही है भी हो सकता बड़िया पार्टियां ये प्रेरित कर देन भी आपां श्रोमणी अकाली दल नूं पंजाब दे विच जीरो करना इस करके भाजपा जे समझा लैंदी है भी भाजपा ही कह दिंदी है भी आपां जी किसानां दे पक्ष दे विच दो लाइनां जिहड़ियां किसान कहिंदे ने असीं उह भी पाउण नूं जिन्नियां भी लाइनां विच पाउण नूं कहिंदे ने असीं पा लैंदे आ ते कहिंदे जी फिर श्रोमणी अकाली दल तां जीरो हो जूगी क्योंकि गठजोड़ टुट चुका है NDA दा हिस्सा नहीं रहे जी भी ये तां फिर अकाली दल दा भोग पै जूगा जी देखो ये राज मतलब कि जोड़े इस तरह आने वाले हालात ने जोड़े वो किस तरह की करवट लेंगे ये तो समा दसेगा लेकिन हर बंदे दी उन्हां दी जो सोच है भाई किसी की सोच है भी मैं फलाने नूं डाउन करके तो फिर अगे निकलना किसी की सोच है भी मैं इस एजिटेशन के विचों जोड़ा आ लाहा लेना पर सानू भरोसा है गुरु सानू भरोसा है
किसानों के लोगों के हितों के उन्होंने जिन्होंने असं लड़ाई लड़ रहे हैं वो उन्होंने अपने हिसाब चल चलना है, असं अपने हिसाब न चल रहे हैं। सानू तो एको एक निशाना है, जिस तरह अर्जुन पूछा सी भी तेन की दिया, उन्हें आखिर मैं अख दी मच्छी की आख ही दी है मच्छी नहीं दी। साडा निशाना तो सिर्फ यह आ कि जिहड़ा किसानों के उत्ते साडे ते हमला होया, असी ये जिहड़े कानून काले कानून बनाए ने इन्हां नूं वापस कराउणा है। तो असी एक गल मैं होर दस दें कि पिछले समय से चाहे अहमद शाहब्दाली आया, महमूद गजनी आया, औरंगजेब आया, जकरिया खान आया, मीर मन्नू आया, वो जिन्हें भी लोग आए थे साढ़े वड्डे वडेरे उन्होंने लड़ाइया लड़ उस तो बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइया लड़ उस तो बाद दिल्ली तख्त के खिलाफ लड़ाइया लड़ते रहे। तो असी हुण साढ़े वड्डे वडेरे ने तो सानू ये धरने ये लड़ाइया ये शहीदियाँ ये एजुटेशन लोक हितों की लड़ाई लड़ वास्ते जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वास्ते असी जिन्नी भी हुण तक लड़ाइया लड़िया गुरु साहिबां तो लैके हुण तक असी जुल्म के खिलाफ लड़े हाँ। असी किसी के उत्ते हमला नहीं किया, हमलावर होकर नहीं गए। असी अज भी वो लड़ाइया जिहड़ियां ने सानू विरासत मिली, साडी एक सोच है भी कि असी अपने बच्चों नू भी ये एजुटेशन लड़न वास्ते ये विरासत में दे के जाने। असी यह चाहते हैं कि असी अपने बच्चों वास्ते एक ऐसा हल करिए कि पंजाब के लोग ये जेडे एजुटेशन तो खड़ा चलाउन, तो साढ़े जोड़े बच्चे जोड़े विदेशों भजते हैं जां इधर उधर भजते हैं जां अज वो मतलब कि नौकरियों के पिछे भरते हैं, असी उन्होंने बच्चों आने वाला कोई चंगा भविख दे के जाने की जी सोच रखते हैं। तो गुरु तो साडा भरोसा है भी यू गुरु इस कामयाबी बख्शेगा तो आने वाला समाज ठीक हो जी। तो लास्ट सवाल है, ये जथेबंदियों के घुसपैठ भी होने लग गई है, सवेरे कोई बंदा आया सी एजेंट टाइप के बंदे कहने जी शामिल होने लग गए हैं, हुण की लगता भी जथेबंदियों ने होर तगड़े होने की जां फिर बिल्कुल कल भी उत्थे हरकत की, असी कल तो ही बड़े सचेत सज उन्होंने उतों कढ़िया। तो जो तुहाड़ी प्रेस मीटिंग चल रही थी जी जी उदों भी तो होया, हाँ जी उन्होंने मैं फड़ के लिया बाहर, उन्होंने फड़ के बाहर कढ़िया। सो असी हुण बड़े सुचेत हाँ, असी हुण इहदे विच जिहड़ा भी बंदा आउंदा असी इस चीज़ नूं हुण बड़ी गंभीरता नाल जिहड़ा अगे लै के जिहड़ा वो चलांगे। साडा इको एक निशाना कि असी किसी भी किस्म दी मतलब कि ऐसा काम जिहड़ा नहीं करना जिहदे विच पुलिस नूं सरकार नूं ये बहाना मिले कि इन्हां किसानां दे जिहड़े एजुटेशन चल रहे ने इन्हां दे विच इन्हां दे वर्करां ने आह काम कीता है, कोई हुल्लड़बाजी कीती आ, किसी नूं पत्थर मारिया जां किसे नाल विलिया, वो काम असी नहीं करांगे। असी अपने वर्करां नूं बहुत गंभीरता दे नाल जिहड़ा वो सारा कुछ कह हुण भी लगदा मुट्ठी मीच के ही बोल रहे हो तुसीं, क्योंकि जदों बलदेव सिंह सिरसा जी बोलते हैं तो फिर गाह पैंदा, मतलब कि पूरे तुसीं ते जोश च बोलदे हो पर इत्थे जोश दे नाल होश रख रहे हो कुछ लग... देखो मेरी गल सुन जी, जे असी होश नाल नहीं चलना, असी पिछलियां जिंदगियां दे तजर्बे दे विच्चों जे कुछ सिख्या नहीं, इह साडी लड़ाई एक होर किस्म दी है। इहदे विच वेखो ना एक किस तरह दे जिहड़ा इह जिहड़ा फुल्लां दा गुलदस्ता बनिया, एक कत्ती जथेबंदियां जिहड़ियां ने जी जी, एक किस किस विचारधारा दियां ने, इहदे विच असी जिहड़ी भी गल कर रहे हैं बड़ी तोल मिल के बड़ी गंभीरता जी समुचे संसार के लोगों की अज इस टाइम ते साडे वल निगाह जिहड़ा असी एजुटेशन चला रहे हैं। सो इस करके असी जिहड़ी भी गल करनी है बड़ी सोच के विचार के ना तोल के गल करनी है, एवें नहीं मुँह तो पकड़वा नहीं करनी। बहुत शुक्रिया तुहाडा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी। सो ये सन सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, जिन्हां दे वल्लों कहा गया कि मोर्चा फतेह जरूर होएगा पर मोर्चा लम्मा चलण दी संभावना है, पर वेखना ही होगा भी किन्ना लम्मा ये मोर्चा चलता है ते फतेह कदों हुंदी है। सज्जन सिंह सैणी दे नाल जगदीप सिंह तली, पंजाबी लोक चैनल चंडीगढ़।